ख्वाहिश करते हैं भगवान, हमें फिर से बच्चा बना दो, जिंदगी जीने का एक नया तरीका सिखा दो, नाव बनकर पानी में तैरना सिखा दो, खुद को खुद से हासिल करना सिखा दो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टार अपेक्स न्यूज़। और आज एक नया चैप्टर और चैप्टर वन, और ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए और अब सबके लिए कि एंशर के अंदर जो कवि का जो और शायरी का जो आजकल का जो एक नया जनरेशन जिसके तरफ खींचे जा रहा है, उस एक नए चैप्टर में आज हम लोग आ चुके हैं नागपुर के एक अनिरबंध, ये जो नया पोएट्री 2018 आज नागपुर में हो रहा है। हमारे साथ उनके ऑर्गेनाइजर है कनक और बुद्धदीप, तो अब हम उनसे जानते हैं। सर, अनिरबंध पोएट्री फेस्टिवल है जिसमें कि जो युवा प्रतिभा जो है लिखने की, उनको हम सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, और युवाओं के साथ जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आइडिया था तथागत और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो सब लोग ब्लॉग पे लिखते थे हम लोग, तो एक आइडिया आया कि ब्लॉग पर कितने दिन लिखेंगे, लोगों तक ये डायरेक्टली पहुंचे। कितने लोग थे ब्लॉग पे लिखने के लिए? आपने लिखने के लिए 5 से 7 लोग थे। सर, 7 लोग और 7 दिनों में इन्होंने एक हाउसफुल शो करा दिया, इसके लिए आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। और नेक्स्ट के टाइम मैं भी थोड़ा कुछ लिख लेता हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा आप दे दीजिए, मैं भी आऊँगा आपके प्रोग्राम में और पार्टिसिपेट करूँगा। तो जैसे कि आपने एक नाम सुना था दोनों दोस्तों की तरफ से, थर्ड नेम आया था तथागत, तथागत जी हमारे साथ है। तथागत जी, आपने आपके दोस्त ने बोला था कि अपनी जो आइडिया है इसकी वो पूरी अपने ब्लॉग से स्टार्ट की थी, एक ब्लॉग से लेके और 7 दिन बाद 7 दोस्त और आज हाउसफुल, तो यहाँ तक का आपका सफ़र कैसा रहा और आपको आइडिया कहाँ से, ब्लॉग पर आपने कैसे स्टार्ट किया था? मेरे पापा भी लिखा करते हैं तो मैं भी लिखता था, उन्हें पता नहीं था मैं रात को जाग जाग के लिखता था, और मुझे ऐसे लगा कि मेरे जैसे भी लिखने वाले कोई और भी होंगे, तो मैंने पहले सिर्फ मेरे दोस्तों में पूछा, तो दोस्तों में 4 लोग थे जो लिखते थे, तो उनके साथ ही मैंने ये सब शुरू किया कि हम लोग 4 लोग आते हैं और जुड़ते हैं और लिखते हैं। हमने बीच बीच में लोगों को जोड़ने की कोशिश की पर वो हमसे हो नहीं पाया, पर फिर ऐसा आया कि यार लिखते हैं तो बाकी कॉलेजेस में अप्रोच किया जाए। तो कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट किया कि चलो यहाँ पे जाके एक बार बात करके देख लेते हैं। हाँ, अनिरबंध में हमने सबसे पहले कॉलेज के स्टूडेंट्स को अप्रोच किया, उसके बाद हमने ये सोचा कि नाम ही अनिरबंध है तो क्यों ना हम सभी को इसमें इन्वॉल्व कर लें। मुझे लगता है बहुत से लोगों को मालूम नहीं ये मीनिंग क्या है इसका। हाँ, अनिरबंध का मतलब है जिसका कोई बंधन नहीं होता। अच्छा, मतलब फ्रीडम, फ्री जो हर समय फ्री रहेगा, कवि को किसी चीज़ का बंधन नहीं है, ना उसे सब्जेक्ट का बंधन, ना उसे लंबाई का बंधन, कोई बंधन नहीं है, तो हम उसी को लेके सामने सामने चले और हमने ये नाम अनिरबंध ऐसा रखा। तो आपने ये आइडिया सबसे पहले कहाँ तक रखी, और मतलब जैसे दोस्तों ने बताया कि ब्लॉग से स्टार्ट हुआ और एकदम 7 दिन में पूरा प्रमोशन रजिस्ट्रेशन एंड उसके देन उसके बाद में सीधा लॉन्च एंड हाउसफुल, तो मुझे ये कहना है कि आपको स्टार्टिंग में जो सफल मतलब जो प्रॉब्लम फेस करने पड़े होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर बात में आते हैं सफलता के तक पहुंचने के लिए, तो वो क्या आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम तो तकरीबन पहले कुछ नहीं था, जो 4 लोग जो मुझे मिले थे जो मेरे पार्टनर्स हैं अभी, वो सब सारे बहुत अच्छे हैं, हर जगह से उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया है, तो प्रॉब्लम तो बहुत कम आया। हमें ऐसे लगता था कि चलो यार पहले 10 ही लोगों का लेते हैं, पर पता नहीं क्या हुआ बहुत लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है और आ पड़ी है, तो इसीलिए तो और ये सारा जो शो है ये सब हम फ्री में कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए भी हम ये फ्री ही रखना चाहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट ही होते हैं, पैसा नहीं होता है घर वालों से पैसा मांगकर इधर ऐसे चीज़ों में खर्च करना जो घर वालों को पसंद नहीं है, तो मुझे लगता है नहीं हम लोग अपने ही पैसों से करेंगे, और पार्टिसिपेशन का कोई चार्ज नहीं, ऑडियंस का कोई चार्ज नहीं। थैंक यू। एक सांगू का, मला माहित नाही तू माझ्या नशिबात आहेस की नाही, मला माहित नाही तू माझ्या नशिबात आहेस की नाही, पण तुला देवाकडे मागायला मला फार आवडतं। माहित नाही मला हक्क आहे की नाही, माहित नाही मला हक्क आहे की नाही, पण तुझी काळजी करायला मला फार आवडतं। माझी ऐपत मला ठाऊक नाही, पण तुला चोरून बघायला मला फार आवडतं।
कधी आपण सोबत असू किंवा नसू, कधी आपण सोबत असू किंवा नसू, पण हे स्वप्न पाहायला मला फार आवडतं. माझी किंमत तुझ्यासाठी शून्याची जरी असली, माझी किंमत तुझ्यासाठी शून्याची जरी असली, तरी तुझ्या हसण्यात माझं सुख शोधायला मला फार आवडतं. तुझ्यावर प्रेम करणे बरोबर आहे की नाही, तुझ्यावर प्रेम करणे बरोबर आहे की नाही, पण त्या प्रेमाला जपायला मला फार आवडतं. काय ठाऊक इतपत योग्य आहे की नाही, काय ठाऊक इतपत योग्य आहे की नाही, पण तुझ्यावर कविता करायला मला फार आवडतं. की मजबूरियों का बोझ, मजबूरियों का बोझ बड़ी हिम्मत से ढोते देखा है, मजबूरियों का बोझ, केजरीवाल है शायद, मजबूरियों का बोझ बड़ी हिम्मत से ढोते देखा है, मेरी हटों पे चाटा मार के माँ को रोते देखा है, और घर में एक दाना नहीं मैंने ऐसा सूखा देखा है, फिर भी मेरा पेट भरकर माँ को भूखा देखा है, फिर भी मेरा पेट भरकर माँ को. यहाँ प्यार की बात हुई तो मेरी कलम से प्यार क्यों नहीं निकला, मैं प्यार नहीं लिख पाया, मैं प्यार क्यों नहीं लिख पाया, इन पंक्तियों के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि मेरा दिल भी कहता है, मेरा दिल भी कहता है लिखो गीत में कोई प्रेम बहारों का, मेरा दिल भी कहता है लिखो गीत कोई प्रेम बहारों का, नहीं चाहता कि सदा ही जिक्र करता रहूं अंगारों का, लेकिन आतंक से हर रोज, आतंक से हर रोज मेरी भारत माँ का सीना छलनी हुआ जाता है, तिरंगे में लिपटी लाश देख कर लहू मेरी आंखों से टपक आता है, तब मेरी कलम इस कदर तड़प जाती है, प्यार की भाषा छोड़ सिर्फ अंगारे बरसाती है, प्यार की भाषा छोड़ सिर्फ अंगारे बरसाती है. इस फर्स्ट चैप्टर के हमारे साथ ऑडियंस तो आपने देख ली है, और ऑर्गेनाइजर से बात के लिए तो गेस्ट जो थे, जो एक्चुअली जिन्होंने यहाँ पे हमारे जजेस का काम किया, उनसे हम मिलेंगे. तो सर आपको कैसा लगा ये अनिर्बंध का जो फर्स्ट चैप्टर था उसका, आपको मतलब जो फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ इसके बारे में आपको क्या रही हुआ? देखिए अनिर्बंध सब्जेक्ट लेकर, मतलब जिसको कोई जिसको मराठी में हम लोग बोलेंगे कोई बांध नहीं, कोई सीमा नहीं, वो बिल्कुल बेधुंद है, बिल्कुल फ्री है. तो ऐसे इसमें युवाओं को इकट्ठा करके आज के समय में एक कविता पोएम महोत्सव लेना, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देश में जो आज स्थिति बनी हुई है वो स्थिति में हम लोग बोलते हैं कि कवि चुप बैठे हैं, लेकिन ये फेस्टिवल, पोएम फेस्टिवल से ऐसा लग रहा है कि युवाएं अपने कविताओं के माध्यम से अपने आप को मतलब एक एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अनिर्बंध के लिए और हमारे देश के लिए और देश के नए कवियों के लिए ये बहुत अच्छी घटना है, ऐसा मुझे लगता है. सर आपका क्या रिव्यू? यांनी म्हटलं की अनिर्बंधचा अर्थच असा आहे की ज्याला सीमा नाही, परंतु अनिर्बंध म्हणजे स्वयंशासन हाही एक त्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. आताच्या जी काही वातावरण आपल्या देशामध्ये आणि एकूणच युवा पिढींमध्ये अस्वस्थतेचं वातावरण आहे, आणि सोबतच तुमच्या प्रत्येक ॲक्टिव्हिटीवर लक्ष ठेवलं जात आहे, आणि तुमची प्रत्येक ॲक्टिव्हिटी किंवा तुमचं मन, तुमचा मेंदू हा बॅन करण्याचा जो प्रयत्न आहे, त्या स्थितीमध्ये अनिर्बंधचा हा उपक्रम अतिशय चांगला आणि या काळाला वेगळं वळण देणार आहे असं मला वाटतं. समाजाला, समाजातला जो बांध आहे तो बांध फुटून काहीतरी आवाज बाहेर निघेल असं आपलं म्हणणं आहे. तीच गोष्ट आहे की आपल्या आतली जे मला जे म्हणायचं आहे आणि अतिशय मोकळेपणानं म्हणायचं आहे, ती युवा पिढी आता कुठल्याही बंधनाला मानणार नाही, अनिर्बंधपणे व्यक्त होण्याचा प्रयत्न करत आहे. या निमित्तानं अनिर्बंधचा हा जो प्रयत्न आहे तो यासाठीही महत्त्वाचा आहे की कला क्षेत्राकडे नव्या पिढीचा पाहण्याचा जो दृष्टिकोन आहे तो आता सकारात्मक होत आहे, आणि त्यांना पटतं आहे की या सगळ्या बॅन होणाऱ्या गोष्टीवर किंवा आपल्यावर लादल्या गेलेल्या बंधनावर केवळ कलेच्या, साहित्याच्या, नाटकांच्या आणि कलेच्या विविध पैलूंच्या माध्यमातूनच अटॅक करता येऊ शकते, आणि ही आपली अंतरप्रेरणा आहे की जी या निमित्तानं व्यक्त होत आहे, आणि मी या सगळ्या गोष्टींचं स्वागत करतो आणि अनिर्बंधचं अभिनंदन करतो, कुतूहल करतो आणि आभारही मानतो की त्यांनी मला या ठिकाणी येण्याचं आणि या सगळा माहोल पाहण्याची संधी दिली. धन्यवाद. सर आपलं काय मत आहे?
सबसे पहले थोड़ी सी भूमिका मैं बांधूं अनिर्बंध के बारे में कि ये अनिर्बंध जो जुड़ा है, अनिर्बंध जो जुड़ा है ये एक साहित्यिक क्षेत्र है, साहित्य से इसका बेस है। और साहित्य के बारे में अगर मैं कहूँ तो आप पिछला इतिहास हमारे मुल्क का उठाकर देखें कि साहित्य ने हर हर मकाम पर अपना योगदान दिया है। मुझे एक किस्सा याद आता है कि बिहार के राष्ट्र कवि हुए हैं रामदयाल दिनकर जी और नेहरू जी सदन की सीढ़ियाँ उतर रहे थे और नेहरू जी का पैर लड़खड़ाया तो दिनकर जी ने उन्हें संभाल लिया। तो नेहरू जी ने कहा कि अच्छा हुआ दिनकर जी आपने मुझे संभाल लिया वरना मैं गिर जाता। तो दिनकर जी के जवाब को सारे साहित्यकारों का जवाब समझा जाए, उन्होंने कहा कि राजनीति जब भी लड़खड़ाएगी साहित्य आकर उसे संभाल लेगा। तो ये क्षेत्र वो है। और यहाँ पर जो नए बच्चे आ रहे हैं जो अपनी ख्यालात को कलमबंद कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक लंबा सफ़र है, बहुत दूर तक ये जाएंगे और यही आगे चलकर राजनीति में और हर हर क्षेत्र में काम आएंगे। और ये देखो आज का अगर हम जदीद दौर की बात करें तो डांस के प्रोग्राम, रियलिटी शो आप लोग टीवी पर देखते हैं, म्यूज़िकल सिंगिंग शो आप लोग टीवी पर पोइट्री का एक भी शो नहीं है। ये ऐसा नहीं है, हो सकता है ये एक कदम है, ये कदम आगे बढ़कर वो स्टेज ले ले और हज़ारों लोग निकल कर आए, एक बड़ा स्टेज लोगों को मिले। एग्जैक्टली मिलेगा। बिल्कुल, चैप्टर पहला बहुत ही ज़बरदस्त रहा है और हम सब दूसरे चैप्टर की राह तक रहे, आने वाले सब चैप्टर का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। तूने मुझे इस दुनिया में लाया, दुनिया को देखना तूने ही सिखाया, कभी गलत चीजें देखना नहीं सिखाया, पर अब मैं खुद इस दुनिया को देखना चाहती हूँ। माँ मैं तेरी परछाई बनना चाहती हूँ। तूने मेरे नन्हे हाथों को थामा, चलना मुझे तूने ही सिखाया, चलते चलते गिर जाऊँ अगर तो उठाया है तूने, पर अब मैं खुद ही गिर के उठना चाहती हूँ। माँ मैं तेरी परछाई बनना चाहती हूँ। तूने मुझे बात करना सिखाया, बात करते करते मेरे तोतले बोल को समझा, कभी शब्द गलत हो जाए तो सुधारा है तूने, पर अब मैं खुद ही बोलना चाहती हूँ। माँ मैं तेरी परछाई बनना चाहती हूँ। तूने मेरी नन्ही उंगलियों को पकड़ा, कलम हाथ में लेकर लिखना तूने सिखाया, लिखते लिखते शब्द गलत हो जाए तो सुधारा है तूने, पर अब मैं खुद ही लिखना चाहती हूँ। माँ मैं तेरी परछाई बनना चाहती हूँ। तूने मुझे दुनियादारी सिखाई, लोगों को परखना भी तूने ही सिखाया, परखते परखते अगर गलत हो जाऊँ तो सुधारा है तूने, पर अब मैं खुद ही लोगों को परखना चाहती हूँ। माँ मैं तेरी परछाई बनना चाहती हूँ। तेरे जैसी तो कभी बन भी ना पाऊँ, पर तेरे से तेरे कुछ गुण सीख जाऊँ, सीखते सीखते कभी जरूरत पड़े तो संभालना मुझे, तेरी ही तो परछाई बनना है मुझे। शुक्रिया, अलविदा, थैंक यू। संपणार नाही मती, धर्माच्या गारदानो कशी रोखणार गती, धर्माच्या गारदानो कशी रोखणार गती, सत्य चिरडून इथ धर्म वाढलाय, सत्य चिरडून इथ धर्म वाढलाय, फुलेंसाठी मारकरी त्यांनी धाडलाय, त्याच सत्यासाठी आज दाभोळकरांची आहुती, त्याच सत्यासाठी आज पाणसरेंची आहुती, धर्माच्या गारद्यानो कशी रोखणार गती, धर्माच्या गारद्यानो कशी रोखणार गती, आला प्रज्ञा सूर्य भीम जाडून टाकली मनुस्मृती, आला प्रज्ञा सूर्य भीम जाडून टाकली मनुस्मृती, धर्माच्या गारद्यानो कशी रोखणार गती, धर्माच्या गारद्यानो कशी रोखणार गती, कशी रोखणार गती।
हमारे साथ जो प्रोग्राम में जैसे जो हमारे ऑर्गेनाइजर बोल रहे थे कि एक युवा पीढ़ी और एक वृद्ध पीढ़ी, इन दोनों को, इन दोनों के जो विचार है वो एक जगह एक स्टेज पे लाने का इनका मोटो था। तो हमारे साथ मोना जी है, हम उनसे पूछेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है स्टार अपेक्स न्यूज़ पे। पहले तो ये बताऊँ, मैं बहुत एक बुजुर्ग महिला हूँ, मेरा नाम मोना वर्मा है, पर जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत खुशी हुई यंगस्टर्स के बीच में, यंगस्टर्स के बीच में मैंने अपने को जवान पाया। और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इनसे बातें की, इनकी कविताएं सुनी, और ये तो एक बहुत अच्छी बात है। और इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये मैं तो हैरान हो गई। दूसरी बात ये है कि ये जो साहित्य की बुकें हैं, जो पोइट्री की बुकें हैं, कैसे यहाँ इकट्ठे होते हैं और कैसे ये अपनी कविता के फॉर्म में अपने अपने मन का कैसे अपना भार निकालते हैं और अपने को हल्का पाते हैं। तीसरी बात यह है कि ये सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, यानी कि हर पोएट को बूढ़े जवान बुजुर्ग बुढ़े सबको ये आमंत्रित करते हैं और पोएट्री के विचारों के प्रति ये अपने भाव व्यक्त कराते हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और मैं तो बार बार यहाँ आऊँगी और मैं सबसे कहूँगी यहाँ आके अपना दिल बहला लो और अपने मन को हल्का कर दो, और ये है कविता का माध्यम। धन्यवाद मोना जी, आपने बहुत ही अच्छा एक मैसेज यूथ को दिया है। ऐसे कुछ दो या तीन। अच्छा, आपका कैसा रहा, मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अनिर्बंध के लिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए फर्स्ट चैप्टर तो हो गया, फर्स्ट चैप्टर का आप फर्स्ट चैप्टर के लिए क्लियर, और सेकंड चैप्टर के लिए क्या बोलेंगे ऑडियंस से जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया? मैं तो बोलूंगी कि आए लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि बहुत अमेजिंग प्रोग्राम था। और मैं तो चाहूंगी कि ऐसे सेकंड थर्ड 100 चैप्टर तक जाए अनिर्बंध। लेकिन 5 तक ही सीमित है, आपको बता देंगे कि 5 के बाद एक मेगा इवेंट होगा जिसमें एक बहुत बड़ा स्टेज आपको शेयर करने के लिए मिलेगा। ये तो फर्स्ट चैप्टर के एक फर्स्ट शेयरिंग था आपको, इसके एक्चुअली सबको यहाँ पे कॉन्सोलेशन प्राइज है आपको, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू।